वैसे मुहर्रम पर्व काफी धूमधाम से सिरनाडा में मनाया गया। परानपुर प्रखंड के सिरनाडा में धूमधाम से वैसे मुहर्रम पर्व मनाया गया। वहीं आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन फीता काटकर शुभारंभ किया। इशरत परवीन ने बताया कि मुस्लिम समुदाय के भाइयों के लिए मुहर्रम पर्व से ही नया साल मनाया जाता है। हसन हुसैन के याद में मुहर्रम पर्व अब हर साल मनाया जाता है। वहीं जनप्रतिनिधि मुखिया प्रमोद ने ग्रामवासियों को मुहर्रम पर्व को लेकर धन्यवाद देते हुए कहा, हमारे पंचायत में मुहर्रम पर्व काफ़ी शांतिपूर्ण मनाया जाता है। वह थाना अध्यक्ष अमजद अली, प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मीकांत विश्वास, कमेटी के अध्यक्ष गुलाम सद्दाम, डायरेक्टर भाई टिंकू, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मंजूर आलम, सदस्य में सोनू, नजरुल मोहम्मद, पूर्व मुखिया अकबर मंसूरी, वहीं बुद्धिजीवी एवं समाजसेवी उपस्थित थे। ग्रामवासी में खुशी का लहर देखा गया। वहीं इस मौके पर खेल का भी आयोजन किया गया था, जिसमें टीमों में 16 खिलाड़ी शामिल थे। विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में साइकिल, टेबल फैन, LCD दिया गया। आज अपार खुशी के साथ प्रतियोगिता के रूप में आज सिरंडा के पावन धरती पर, पावन नगरी पर भव्य आयोजन कार्यक्रम आप तमाम इस ग्रामीण लोगों ने चुनाव जारी करे और अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए टिंकू भाई जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं। आप भाई डब्लू साहब आप हम लोग के काफी करीबी सहपाठी हैं। आप इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सम्मानित बड़े भाई प्रमोद कुमार सिंह जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सम्मान के साथ आप हम लोग के सम्मानित बड़े भाई इसराइल साहब, ये प्रोफेसर भी है बलरामपुर कॉलेज के और हम लोग के आदरणीय सम्मानित बड़े भाई, तो बापू जी अपने हृदय और कर कमलों से इन्होंने अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। फिर इसी के साथ हमारे सोनू जी प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी बाबू को अंग वस्त्र देकर के सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ एक ताली जोरदार और इस अजान हो रही है, थोड़ा साइलेंस है, 2 मिनट कीजिए। आशा करता हूँ आने वाले समय में, आने वाले दिन में, आने वाले सामना करने वाले हमारे नेत्री जो अभी हमारे बीच आए हैं, हम लोग उसको पहले यही उसका पहचान है, कर्तव्य है। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हम लोग सब एक जगह मिलकर इस लाठी प्रतियोगिता का अंतिम अंदान देकर, अंतिम वितरण देकर, पुरस्कार वितरित कर ही जाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग के बीच दो पत्रकार नजर आए हैं, रामविलास राणा जी और पत्रकार संघ के अध्यक्ष है और दर्शन न्यूज के हैं शंभू कुमार महतो जी। दोनों को ही लाठी प्रतियोगिता की रुके हैं। भाई टिंकू जी आप अपना मंतव्य। बहुत खुशी भी हम लाठी को भी वक्त मिला है और यहाँ आए हुए सम्मानित जो इससे पहले बातों से संबोधन भी करेंगे, सब इस बात के साथ अब भावी नेत्री को मौका दिया जाता है, वे कुछ हम लोगों को बोलेंगे तो हमारे नौजवान जितने भी हैं, ताकि इतना गदगद हो जाए, इतना गद हो जाए पूरी रात उसे गम हुए नजर आवे कि वही भाभी ने जो वचन दिया है मैं उसको निभा रहा। धन्यवाद। मंचासी इस प्रांतपुर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि और राजद के हमारे नेता प्रमोद भाई, प्रमोद सिंह जी, इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने वाले और इस कार्यक्रम में बच्चे का हिस्सा देने वाले हमारे टिंकू भाई, अताउर रहमान जी, हमारा भगना तारिक जी, हमारे इनका नाम लेते हुए ही बड़ी प्रसन्नता होती है, बापू जी एक हमारे उपमुखिया, हमारे वसीम जी,
सभी त्रिस्तरीय पंचायत की राज के प्रतिनिधिगण, पत्रकार प्रतिनिधिगण, थाना अध्यक्ष जी आ गई और हमारे जो है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मीकांत विश्वास जी और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागी जितने भी इस लाठी प्रतियोगिता में आए हुए हैं और इस पंचायत ही नहीं अगल बगल के सभी गांव और पंचायतों से आए हुए हमारे जितने भी दर्शक भाई हैं, बहने हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और स्वागत करती हूं। आज लाठी प्रतियोगिता और मोहर्रम का जो महीना है शहीदी के नाम पर हम लोग मनाते हैं हसन हुसैन की याद में और हमारा नया साल भी मोहर्रम के समय से ही शुरू होता है। जनवरी का जो महीना होता है वो अंग्रेजी है लेकिन जो उर्दू का महीना होता है वो मोहर्रम से ही शुरुआत होती है। तो हमारा ये नया साल शुरू हुआ है मोहर्रम के महीने से। मैं सबको शुभकामना प्रकट करती हूँ कि आपका पूरा साल अच्छा जाए और हम दीन के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चले, बुराइयों को खत्म करें, बुराइयों को शहीद करें हम ये शहीदी के मौके पर और हम आगे बढ़े, समाज के लिए अच्छा करें, यही शुभकामना। राजनीतिक मंच नहीं है, मैं ऐसा कुछ बोलने नहीं आई हूँ। जो हमारे पिछले वक्ताओं ने बोला आने वाला समय बहुत सारा अभी समय है, हम लोग सब लगे हैं राजनीतिक में, हमेशा लगे रहना पड़ता है। 2001 से लेकर अभी तक हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे क्योंकि यहाँ की बेटी और बहू, क्योंकि ये घर और इलाका हमारा है तो जो खेत हमारा बोया हुआ है काटेगा कोई और नहीं, कब्जा तो होने नहीं देंगे क्योंकि ये खेत हमारा है, ये घर हमारा है, अपने घरों में कोई कब्जा नहीं होने देता बाहर के लोगों का। तो आप ये हक की लड़ाई है और हक पे तो हमेशा से जो हक की बात करता है उनको परेशानियों का सामना दीन में भी देखा गया है कि उनको करना पड़ता है और दुनिया में भी होता है। तो हक के लिए हमेशा आगे रहे, आगे बढ़े, हक के लिए पीछे ना हटे और यही जज्बा के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े। बस इतना कहेंगे, जो भी प्रतिभागी है उसे ये कहेंगे पूरी खेल भावना के साथ आप खेल को खेले। जीत हार होती है, जो आज जीतेगा वो कल हारेगा, जो आज हारेगा वो कल जीतेगा, ये खेल का नियम ही कहता है, ये दुनिया के नियम भी है। आज जो जीतता है वो कल हारता है, जो कल हारता है वो आज जीतता है। तो हमेशा कोई निश्चित, हर एक चीज निश्चित नहीं होता है। बस इतना कहते हुए सभी जाति समुदाय के लोग, सभी पर्वों को हिंदू मुस्लिम समुदाय गंगा जमुनी तहजीब के साथ इस इलाके में, कटिहार जिला में या इस मुल्क में हम लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, भाईचारा बनाते हुए हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखते हुए आगे हम समाज को आगे बढ़ाएं, इतनी ही अपील के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, मेरी माँ बहने भी आई हुई है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपना वक्त समाप्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार केवल प्राणपुर विधानसभा ही नहीं देख रही है, पूरे जिला का, चाहे जिला परिषद उपाध्यक्ष के हैसियत से पूरे जिले को देखना है और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते, क्योंकि ये जब हाथ थक कर मर जाता है इनके पास लोग जाते हैं और उनका भी समस्या को निदान हमेशा करते रहती है। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने राजद के जिला अध्यक्ष अभान इरशाद पबीन को अब अपना माइक दे रहे हैं, वो अपनी वाणी से अपनी बात को अपने इस बीच में संबोधन करेंगे। इसी बीच जैसे ही संबोधन खत्म होंगे कुसंडा टीम से शिकागो पिज्जा टेस्टी डिलीशियस यम्मी, विजिट माई शॉप NH31 कुर्सेला नियर बालाजी धर्मकांटा।